हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ न्यू एनटीए नेट एमसीक्यू सीरीज बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस एंड वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सी प्रोग्रामिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन वन है बजार्ने स्टोटस्ट्रप, जेम्स ए गोसलिंग, डेनिस रिची एंड डॉक्टर ई एफ कॉर्न। तो फादर ऑफ सी लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? डेनिस रिची को फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डेनिस रिची इज नोन एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन थर्ड वुड बी द करेक्ट वन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में कितने लूप्स हैं? तो बेसिकली देखा जाए सी लैंग्वेज में आपके देखिए पहला वॉयल लूप, ठीक है, तो नंबर वन। दूसरा आपका है डू वॉयल लूप, डू वॉयल लूप। और तीसरा है आपका फॉर लूप। ठीक, तो सी लैंग्वेज में आपके थ्री लूप्स हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइड ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी? जो वॉइड कीवर्ड है मतलब जो आपका डेटा टाइप है वॉइड, वो कितने बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है? तो वॉइड जो है आपका 0 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। इन सी वी यूज फॉर इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के लिए सी लैंग्वेज में आप किसका यूज करते हैं? देखिए ऑप्शन ए क्या है, सी इन एंड सी आउट, इनपुट एंड आउटपुट, स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ, बोथ बी एंड सी। सी लैंग्वेज में इनपुट और आउट, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए आप किसका यूज करते हैं? तो बेसिकली सी लैंग्वेज में हम इनपुट के लिए क्या है, स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैन एफ का। ठीक, और आउटपुट के लिए आप किसका यूज करते हैं, प्रिंट एफ का। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप? कैरेक्टर डेटा टाइप की रेंज क्या होगी? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए कि कैरेक्टर डेटा टाइप हम जानते हैं कि कितनी बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप आपका 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और हम जानते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितना, 8 बिट। ठीक, ये आपकी 8 बिट्स होंगी। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी, 8 बिट्स हो जाएगी। ठीक, अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई कितनी रेंज क्या होगी। तो भाई जानते हैं अगर 8 बिट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप जानते हैं एक उस पे हम क्या है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, टोटल 2 की पावर 8 हो जाएगी। अब हम जानते हैं इसमें क्या है भाई, जो नंबर्स पॉसिबल हैं 8 बिट का यूज करके, वो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 8, क्योंकि यहाँ पे 0 1 हो सकता है, यहाँ भी 0 1, यहाँ भी 0 1, यहाँ भी 0 1। तो ये आपके टोटल क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 8 टाइम्स, ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ देखिए कैरेक्टर डेटा टाइप मेंशन किया है, ठीक है, कहीं पे भी साइंड या अनसाइंड मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो हम जब साइंड और अनसाइंड मेंशन नहीं करता है, तो हम ये मानते हैं कि वो आपका साइंड है, बाय डिफॉल्ट हम साइंड मानते हैं। तो साइंड है इसका मतलब पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, तो 2 की पावर 8 टोटल हो जाएंगे, उसको डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 आपका क्या हो जाएगा, 256 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा, 128। इसका मतलब 128 पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 128 निगेटिव नंबर्स होंगे। आप जानते हैं नंबर्स कहाँ से स्टार्ट, फॉर एग्जाम्पल 0 है, इधर क्या हो जाएगा, 1 2, और ये आपका 128 तक। इधर क्या है, माइनस से स्टार्ट होगा, -1 -2, और ये आपका क्या, -128 तक। तो रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ -128 से लेके, ठीक है, -128 से लेके, ठीक है, कहाँ तक, 256
क्योंकि ये देखिए ये 120, क्योंकि हम जीरो हम पॉजिटिव में पॉइंट करेंगे, तो ये यहाँ से काउंटिंग होगी, तो ये आपका 127 तक ही होगा ये, ठीक है। तो -128 से 127 ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड, सी लैंग्वेज किस ईयर में डेवलप हुई थी, तो सी लैंग्वेज डेनिस रिची एंड उसकी जो भी टीम थी उसने 1972 को बेल एंड टी लेबोरेटरीज में डेवलप हुई थी, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी, ऑप्शन है पहला प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नन। तो देखिए सी लैंग्वेज में बेसिकली जो है आपके फंक्शंस होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज आपकी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जबकि आपकी जावा क्या है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, सी प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं किसकी मदद से, पहला ऑप्शन है एडिटर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखिए सी प्रोग्राम को जो है आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं क्या, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, क्या होता है दो, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या करता है, एक ही साथ पूरा प्रोग्राम जो है होल प्रोग्राम को एक ही साथ कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर, सॉरी इंटीजर नहीं, इंटरप्रेटर, ठीक। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपका एक एक लाइन जो है, जैसे मान लीजिए आपकी लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स है प्रोग्राम में, एक एक लाइन्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो ये इंटरप्रेटर है। बाकी कंपाइलर क्या करता है, पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को, ठीक है, एक ही साथ आपका मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि एक साथ हो रहा है, या वो क्या, सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में किसकी मदद से हम कन्वर्ट करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी जो है वुड बी द करेक्ट वन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व कीवर्ड, तो देखिए रिजर्व कीवर्ड कौन है, तो रिजर्व कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग जो है ऑलरेडी जो है कंपाइलर में डिफाइन, जो आपका सी लैंग्वेज का मान लीजिए कंपाइलर है, या किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर है, तो हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, तो इसकी मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता होती है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली हम क्या इसे यूज करते हैं, कंपाइलर इन इन वर्ड्स की अलग मीनिंग डिफाइन होती है, ठीक। तब जैसे पहला है ऑप्शन ए, कौन क्या क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब ऑटो है, पहला है ऑटो, हम जानते हैं सी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के लिए, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास आपका वो उसका कीवर्ड क्या होता है, ऑटो होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दूसरा है क्या, केस, केस, अब केस देखिए जहां पे आप स्विच केस यूज करते हैं, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट, तो वहां पे स्विच के साथ क्या है, आप केस का यूज करते हैं, तो केस भी क्या है आपका एक कीवर्ड है, ठीक। उसके बाद रजिस्टर, तो ये रजिस्टर भी क्या है, एक टाइप का स्टोरेज क्लास है, ठीक, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, तो रजिस्टर, एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कीवर्ड रजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेन जो है वो कोई कीवर्ड नहीं है, मेन हमारा एक फंक्शन होता है, हाँ ये मेन फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मेन जो है, सिर्फ मेन कोई कीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ मेन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है। तो मेन यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं होगा सी लैंग्वेज के लिए, ठीक। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सी लैंग्वेज वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, देखिए सी लैंग्वेज का जो वेरिएबल होता है, मतलब क्या है, जब हम सी लैंग्वेज में जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, तो वहां जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो उसका जो आइडेंटिफायर होता है, मतलब हम जब वेरिएबल नेमिंग करते हैं, वेरिएबल नेमिंग में के कुछ रूल्स होते हैं, सबसे पहला रूल ये है कि जो वेरिएबल नेम या आपका उसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, वो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, पहली बात होती है नंबर से स्टार्ट नहीं, मतलब स्टार्टिंग सिंबल उसका नंबर नहीं हो सकता, मतलब 0 से 9, वैसे तो हम बाद में 0 से 9 ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग सिंबल कभी 0 से 9 नहीं हो सकता। दूसरी चीज, स्पेशल सिंबल अदर देन अंडर स्कोर, तो हाँ उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि
अंडरस्कोर हम बाद में यूज कर, हाँ अदर देन अंडरस्कोर मतलब सिर्फ और सिर्फ, अब स्पेशल जो कैरेक्टर है, देखिए हमारे पास अल्फाबेट्स क्या है भाई, ए से लेके जेड तक, या कैपिटल ए से कैपिटल जेड और 0 से 9। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जिसे हम जैसे वाला एट द रेट हो गया, ठीक है, हैश हुआ, ठीक, और यहाँ पे डॉलर साइन आपका हो गया, ठीक। तो ये जितने भी आपके ये है, एम परसेंट है, जितने भी है यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेशल सिंबल, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वेरिएबल नेमिंग में या आइडेंटिफायर की नेमिंग में एक ही स्पेशल सिंबल यूज होता है, वो क्या है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या है, अंडरस्कोर क्या है, उससे स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है, उससे क्या है, अंडरस्कोर से आपका स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक, और बाकी किसी से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है क्या, क्वेश्चन क्या था, सी लैंग्वेज वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो पहला नंबर से नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये भी सही है आपका, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। आई स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा किसी सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता है, यस ट्रू। तो आपका तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी जो है सही है, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। देखिए वही चीज, सेम क्वेश्चन को जो है फिर से पूछा गया है, ठीक है, बस अलग तरीके से है कि कौन सा इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, मतलब जो आइडेंटिफायर है, जो वेरिएबल नेम है यहाँ पे, कौन सा इसमें वैलिड नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए में अंडर स्कोर पहले है, तो हम जानते हैं कि अंडर स्कोर जो है फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है, तो इसलिए ये वैलिड आइडेंटिफायर होगा। ऑप्शन बी पे आइए, इसमें नंबर जो है वो पहले, हम जानते हैं कि नंबर जो है, अभी हमने पढ़ा कि नंबर कभी फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता है किसी भी आइडेंटिफायर में, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए अंडर स्कोर है बीच में, वो हो सकता है अंडर स्कोर तो कहीं पे भी हो सकता है, बीच में भी हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। अब ऑप्शन डी में देखिए ऑनलाइन एजुकेशन हब, उसके बाद वन है, वन जो है देखिए बाद में आ सकता है, ठीक है, बाद में आ सकता है, बीच में आ सकता है, पहला कैरेक्टर नहीं हो सकता, इसका मतलब आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी, क्योंकि वन से जो है आपका आइडेंटिफायर नेमिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इंटीजर नीड्स 2 बाइट ऑफ स्टोरेज देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर इज, अगर इंटीजर बता रहा है आपको पहले से, देखिए क्योंकि अगर आपको डिक्लेयर नहीं करता है तो इंटीजर की साइज 2 बाइट भी स्टोर कर सकता है और 4 बाइट स्पेस भी एक्वायर कर सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया कि इंटीजर नीड्स 2 बाइट ऑफ स्टोरेज, अगर 2 बाइट स्पेस एक्वायर कर रहा है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर इज, एक अनसाइंड इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है। तो भाई अनसाइंड, देखिए साइंड इंटीजर का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव भी और निगेटिव भी है, अनसाइंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, तो समझिए कि कह रहा है कि इंटीजर अगर 2 बाइट स्पेस एक्वायर कर रहा है, 2 बाइट स्पेस का मतलब क्या, 2 बाइट का मतलब हुआ आपका 2 × 8 मतलब 16 बिट, इसका मतलब अगर 16 बिट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर जो है 2 बाइट स्पेस एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब जो है 16 बिट की मदद से हम कितने नंबर्स टोटल रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 2 की पावर 16 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, और हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या होगा, 0, 1, 2, उसके बाद टोटल हमारे 2 की पावर 16 होंगे, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 16 - 1, यही सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 16 - 1, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन, कौन सा इसमें ऐसा फंक्शन है जिसमें, जिसको सारे सी प्रोग्राम्स कंटेन करना चाहिए, तो प्रिंटएफ तो क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है जो आउटपुट के लिए यूज करते हैं, गेट सी एच क्या है, एक इनपुट फंक्शन है, स्कैनएफ भी एक इनपुट फंक्शन है, मेन फंक्शन ऐसा होता है, देखिए ऑप्शन डी जो है ये आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसके बिना क्या है, सी प्रोग्राम कभी रन नहीं हो सकता, तो मेन फंक्शन हर सी प्रोग्राम में होना जरूरी है, इसलिए कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सी प्रोग्राम में एटलीस्ट कितने फंक्शन होने चाहिए, तो भैया सी प्रोग्राम को रन करने के लिए एटलीस्ट वन फंक्शन तो होना चाहिए, और वो फंक्शन आपका क्या होगा, मेन होगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप, कौन सा इसमें करेक्ट वेरिएबल टाइप है, हम जानते हैं कि जो वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं वो क्या, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो सकता है, मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल मतलब कि वो वेरिएबल आपका इंटीजर कॉन्स्टेंट को स्टोर करेगा,
ठीक है। इसी तरीके से रियल कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है क्या फ्लोट और दूसरा होता है डबल, ठीक है। तो रियल जो है, देखिए हमारे ऑप्शन में क्या है, फ्लोट है, तो फ्लोट क्या है, रियल टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए फ्लोट वेरिएबल का यूज करते हैं। लेकिन रियल जो है, ये रियल कोई वेरिएबल टाइप नहीं हमारा, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें पूछा क्या है, नॉट अ करेक्ट, तो नॉट अ करेक्ट क्या हो जाएगा, रियल, क्योंकि इंटीजर को, इंटीजर कॉन्स्टेंट को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल टाइप यूज होता है वो क्या है, इंट है। और डबल और फ्लोट क्या है, ये रियल वैल्यूज, रियल कॉन्स्टेंट को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है आपका सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, नॉट ए करेक्ट वेरिएबल पूछा है, तो आपका बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, देखिए आपका, व्हाट नंबर वुड बी शोन ऑन द स्क्रीन आफ्टर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ये फॉलोइंग सी प्रोग्राम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन दिया है। अब इसके अंदर जो है आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये आपने जो भी कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे सी एच, ठीक। अब देखिए सी एच आपने कैरेक्टर टाइप है, और फिर उसके बाद एक वेरिएबल आपने लिया है आई, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब आपने सी एच में क्या स्टोर किया है, जी को स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब बेसिकली आई में आप क्या कर रहे हैं, जो भी सी एच के अंदर जो वैल्यू है, मान लीजिए कैपिटल जी, और माइनस ए कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, आई में, और फाइनली आप किसको प्रिंट कर रहे हो, आई को कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स में जब इस तरीके से ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली हम इसकी करेस्पॉन्डिंग एस्की वैल्यू देखते हैं, तो इसके एस्की वैल्यू का डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए जैसे अगर इसकी वैल्यू एस्की वैल्यू, अभी जैसे हमारी कैपिटल ए है, ठीक है, और कैपिटल बी है, तो हमारा जो है यहाँ से अगर आप जैसे स्टार्ट करते हैं, तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एस्की वैल्यू जो भी है, आपको एस्की वैल्यू अगर आप यहाँ नहीं भी जानते हैं कि क्या है, या अगर आपको याद नहीं है, तो भी आप कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आप देख लीजिए ए से लेके जी तक के बीच में कितने नंबर है, तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, इसका मतलब जो है आपके कितने हो जाएंगे, ये टोटल 6 हो जाएंगे। तो आपका जो डिफरेंस हो रहा होगा जी और ए का, वो 6 हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए जरूरी नहीं है कि आपको एस की वैल्यूज याद हो, अगर एस की वैल्यूज याद है तो जी की एस की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, और ए की एस की वैल्यू पुट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो भी आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको नहीं याद है तो भी आप ए और जी के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो दे फाइंड आउट कर लीजिए, और वो आप में डायरेक्टली डिस्प्ले कर दीजिए, वही आई में स्टोर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन सी, सी लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने होते हैं, तो सी लैंग्वेज में देखिए 32 कीवर्ड्स होते हैं, टोटल कितने 32 कीवर्ड्स होते हैं, तो आपके देखिए सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। नीचे देखिए एक प्रोग्राम दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो देखिए आप क्या वॉइड मेन, आप मेन फंक्शन के अंदर आए, देखिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, ठीक है, ये किस टाइप का, ये रियल वैल्यूज स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाई 3, एक चीज याद रखिए सी प्रोग्राम में इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। बाकी इंट डिवाइड बाई फ्लोट, ये क्या हो जाएगा, फ्लोट वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी, ठीक। या फ्लोट डिवाइड बाई इंट क्या होगा, फ्लोट डिवाइड बाई इंट, ये भी फ्लोट होगा, और फ्लोट डिवाइड बाई फ्लोट, ये भी क्या हो जाएगा, फ्लोट होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 10 है और डिवाइड कर रहे हैं आप 3 से, तो 10 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, एक्चुअली ये अगर आप डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3.33 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, एक इंटीजर आता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या, इंटीजर पार्ट को लेगा 3, और यहाँ पे एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 3, और आप जानते हैं एक्स क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे जब 3 स्टोर होगा तो वो 3.00 कुछ हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वो 3 हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 स्टोर होगा तो फाइनली अगर आप एक्स को प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे एक्स की वैल्यू को, तो क्या डिस्प्ले होगा, 3, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पे देखिए जो गलती जो करते हैं हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 10 को जब 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 3.3 ये आ जाएगा, और चूंकि ये हमारा फ्लोट है तो ये इसमें फ्लोट में जो है हम जानते हैं कि भाई ये डेसिमल, ये आपकी क्या है, डेसिमल वैल्यूज है, वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल में रियल टाइप के जो वैल्यू वो है, क्योंकि एक्स क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, तो वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 3.33 आनी चाहिए। लेकिन हमें ये कंसेप्ट याद रखना चाहिए,
इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, क्योंकि 10 एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये जो है आपका वैल्यू क्या होगा, इंटीजर। अब हम चाहते हैं कि वैल्यू फ्लोट आए, मतलब डेसिमल वैल्यू, तो हमें क्या है, एक कोई वैल्यू इनमें से 10 और 3 में कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट। अगर यही पे यहाँ पे ऐसे होता 10 डिवाइडेड बाई 3.0, तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप हो जाता और ये इन टाइप हो जाता, तब ये आपकी वैल्यू क्या आ जाती, 3.33। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। द कंपाइलर इन सी इग्नोर्स ऑल टेक्स्ट फ्रॉम अ, उसके बाद अंटिल द एंड ऑफ लाइन। तो जो सी लैंग्वेज में जो आपका कंपाइलर की बात की जा रही है कि ये जो कंपाइलर होता है वो क्या सारे टेक्स्ट को इग्नोर करता है फ्रॉम ए। अब इस सिंबल जो है देखिए, वो सिंबल यहाँ पे डैश डैश है अंटिल द एंड ऑफ लाइन की, एक लाइन को कि अगर कोई यहाँ पे सिंबल जो आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ए में स्लैश दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है स्टार स्लैश, सी में स्टार स्टार दिया हुआ है एस्ट्रिक, ठीक है, और डी में डबल स्लैश दिया हुआ, कह रहा है कि इनमें से किसी एक सिंबल के जब आप इनकाउंटर करें तो उसके बाद जितने भी टेक्स्ट आते हैं सबको क्या करता है, सी लैंग्वेज में कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो कौन सा सिंबल होगा, तो हम जानते हैं एक ये कमेंट लाइन होती है, तो सी लैंग्वेज में एक लाइन को कमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम डबल स्लैश। अगर हमने डबल स्लैश यूज कर दिया तो उसके बाद अगर इधर कितनी भी प्रोग्राम उस लाइन में लिखे हो, ये सारे के सारे क्या है आपका कंपाइलर इग्नोर कर देता है। और अगर मान लीजिए आपने को बहुत सारी लाइंस इग्नोर करनी है, तो आप क्या कर दीजिए, स्लैश स्टार लगाए, तो ये बहुत सारी लाइंस जब तक कि आपका स्टार स्लैश, यहाँ तक कि जितनी भी लाइंस होंगी सबको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा आपका कंपाइलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन गेट सी एच बी यूज टू इको द इनपुट। क्या गेट सी एच का यूज, इको मतलब इस तरीके से कि जैसे आप कीबोर्ड से कोई इनपुट प्रेस करें कोई कैरेक्टर, क्योंकि गेट सी एच क्या है आपका ये इनपुट फंक्शन है, कैरेक्टर को इनपुट करता है, एक कोई कैरेक्टर आपका इनपुट कराता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि गेट सी एच का यूज क्या आप इको करने के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इको करना मतलब क्या होता है कि जब आप इनपुट, जैसे ही मान लीजिए आपने अगर कीबोर्ड से ए प्रिंट इनपुट किया तो उसी वक्त आपका आउटपुट क्या आ जाए, आपका जो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाए, ए डिस्प्ले हो जाए, मतलब अगर आप ए दे रहे हैं तो ए डिस्प्ले हो जाए, जो आप इनपुट दे रहे हैं वही इनपुट आपका क्या हो स्क्रीन पे फिर डिस्प्ले हो जाए, मतलब उसी वक्त इको कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या गेट सी एच यूज होता है इको करने के लिए, नहीं, गेट सी एच का यूज हम नहीं करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसका यूज करते हैं, गेट सी एच ई, गेट सी एच ई फंक्शन का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, इको इनपुट को इको करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हम गेट सी एच का यूज नहीं करते। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रक्चर एंड अ यूनियन। एक यूनियन और स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या होता है, पहला ऑप्शन है वी कैन डिफाइन फंक्शंस विद इन स्ट्रक्चर बट नॉट विद इन अ यूनियन। आप स्ट्रक्चर के अंदर तो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं लेकिन यूनियन के अंदर नहीं कर सकते, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें डिफरेंस सही डिफरेंस पूछ रहा, तो ये गलत है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर के अंदर भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और यूनियन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, वी कैन डिफाइन फंक्शंस विद इन यूनियन बट नॉट विद इन ए स्ट्रक्चर, हम यूनियन के अंदर कर सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर नहीं कर सकते, तो गलत बात, दोनों के अंदर हम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर भी कर सकते हैं फंक्शन को डिफाइन और यूनियन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन देखिए, द वे मेमोरी इज अलोकेटेड। तो देखिए स्ट्रक्चर और यूनियन में जो है जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, द वे मेमोरी इज अलोकेटेड। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो डेटा टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर में, बेसिकली आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं, समझ रहे हैं, जो भी आपने मान लीजिए डिफरेंट डेटा टाइप्स को आपने डिक्लेयर किया, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए स्ट्रक्ट सी लिया, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डेटा टाइप्स इंटीजर टाइप के मान लीजिए ए वेरिएबल ले लिया, ठीक है, फ्लोट टाइप का बी ले लिया, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए देखिए दो अभी हमने डिक्लेयर किया, ठीक, तो अब क्या होगा, ए अगर इंटीजर टाइप का है तो ए क्या है, वो 2 बाइट स्पेस अगर मान लीजिए एक्वायर करता है तो वो अपना अलग एक्वायर करेगा, फ्लोट जो है वो अपना अलग, अगर 4 बाइट स्पेस एक्वायर कर रहा है तो 4 बाइट स्पेस वो अपना अलग एक्वायर करेगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 4+2, ठीक है। जबकि यूनियन में अगर आपका यूनियन सेम इसी तरीके से आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, हम मान लीजिए सेम यू इसी तरीके से आपने किया, ठीक, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपने एक यूनियन डिक्लेयर, तो यहाँ पे देखिए 2 डेटा टाइप्स यहाँ भी है, इस स्ट्रक्चर में भी 2 है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका इंटीजर के लिए अगर 2 बाइट स्पेस था
तो दो यहाँ पे ऑफलोड के लिए अगर चार हम मान लेते हैं तो 6 बाइट स्पेस एक्वायर करता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या होता है, स्पेस क्या होता है, मेमोरी स्पेस शेयर होता है यूनियन में। ठीक है, तो ये पूरा यूनियन जो अब चूंकि आपका इसका एक डेटा टाइप फ्लोट जो है 4 बाइट स्पेस एक्वायर करेगा और इंटीजर 2 बाइट, तो हम ये टोटल जो है 4 बाइट में ही स्पेस क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए टोटल जो है 4 बाइट स्पेस रिक्वायर्ड होगा, जबकि क्या है स्ट्रक्चर में 6 बाइट स्पेस रिक्वायर। तो ये जो मेमोरी एलोकेट होती है, द वे मेमोरी इज एलोकेटेड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।